and modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. Welcome to my channel. आज के इस वीडियो में मैं आपको एनाटॉमी ऑफ द बोन्स पर लेक्चर दूंगा। मेरी वीडियो लंबी थोड़ी ज़रूर है क्योंकि मैं ट्राई किया कि मैंने रिसर्च इन्वॉल्व करूँ उसमें जितने भी एक बेस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ बोन्स के हवाले से या जो भी मैं लेक्चर आपको देता हूँ उसके हवाले से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिस मुझसे कोई चीज़ रह ना जाए और मैं आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेट्स गेट इनटू इट टुडेज लेक्चर। ओके, एनाटॉमी ऑफ द बोन। चलिए सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ द बोन है क्या, बोन क्या चीज़ है। बोन इज बेसिकली एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है या हमारी पूरी बॉडी बोन्स पर मबनी है। अगर ये बोन्स ना होती तो हमारी बॉडी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर अख्तियार करती और जिसकी वजह से बोन ही है जिसकी वजह से हम चल सकते हैं फिर सकते हैं या जिसने हमारी बॉडी को अलाइन किया हुआ है एक स्ट्रक्चर में है। और यही बोन ही है जिसने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे ये देखिए ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसके अगर अंदर हम देखें ये है चेस्ट वॉल चाप। इसमें अगर हम देखें तो हमारे स्केलेटन ने इसको कैसे प्रोटेक्ट किए हैं देखें जैसे ये स्ट्रक्चर है ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर ना होता तो हमें अगर छोटी सी चोट लगती तो हमारे ऑर्गन जो है ना वो डैमेज हो जाते। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि बोन क्या क्या बोन की क्या क्या खसूसियात है। बोन बेसिकली जो हमारे स्केलेटन सिस्टम पर मबनी होता है और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम उन्होंने 270 बोन्स होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं एक बंदे में एक अडल्ट बंदे में 206 बोन्स होते हैं। जो हमारे बॉडी का सबसे जो बड़ा बोन है वो है फीमर और जो हमारी बॉडी में सबसे छोटा बोन है वो कान में पाया जाता है जिसको हम स्टेप्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सी डिटेल देखते हैं कि बोन है क्या। बोन इज़ बेसिकली एक लिविंग टिश्यू है और बोन क्या करते हैं जब अगर हम बोन पर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है चेंज आ जाता है। इसमें बेसिकली इसमें किस चीज़ से मिलके बना होता है बोन जो है ना हमारे पास सेल इसमें क्या क्या पाया जाता है सेल है कॉलेजन फाइबर्स है इम्यून सेल्स है मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ऑफ ऑस्टियोन्स है वेसल्स है ब्लड वेसल्स है ये न्यूरॉन्स हैं और नर्व सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं ये जैसे फैट सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्या क्या कहते हैं कि हमारे पास जो बोन है वो सख्त क्यों है। सख्त इसलिए है कि उसमें जो है ना हमारे पास कैल्सिफिकेशन हार्ड बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम की मकदार मौजूद होती है। जो कैल्शियम बेसिकली क्या प्रॉपर्टी के वो सख्त हमारे बोन को बनाता है। हमारे पास बोन जो है हमारे पास 90-95% कोलेजन फाइबर्स पर मबनी होता है क्योंकि चूँकि कोलेजन फाइबर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं या वो टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी को सख्त जो सख्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स है ग्राउंड सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को मूवमेंट में या क्या कहते हैं इलास्टिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बोन के फंक्शंस हम देखते हैं बोन के सबसे पहले हमारे क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को जैसे मैंने आपको ये दिखाया है इंटरनल ऑर्गन्स को बोन ने प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद अलाइनमेंट परफॉर्म किए देखिए हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है बोन ने। उसके बाद कैल्शियम की डिपोजिशन करता है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो यही बोन ही अपने अंदर ये कैल्शियम की मकदार स्टोर कर लेता है कैल्शियम की फॉर्म में बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास फैट स्टोरेज जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास जो फैट्स है जैसे आप अगर आपने देखा होगा कि जब हम बड़ा गोश्त के बड़े बकरे की हड्डी में या बैल की हड्डी अगर हम देखें तो उसके दरमियान में एक फैटी मटेरियल होता है तो बोन क्या है एज अ फैट स्टोरेज। और इसके अलावा हमारे लीवर परफॉर्म करता है हमारी बॉडी को जिसकी मदद से हम मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं बायो मैकेनिक्स जैसे कि ये हमारे पास एल्बो या ये फीमर बोन है इस ये एक लीवर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा जो
tibia and fibula hai, ye move karta hai, ya jo hamara lower leg move karta hai, theek hai. Acha ji, ye aapke samne bone ka structure hai basic, iske bare mein hum detail mein bhi padhte hain. Acha, bone ke jo sabse outer, jaise jo outer surface hai, ye surface sabse upar upar surface jo hai muscles ke baad, isko hum kya kehte hain, periosteum kehte hain. Ye dekhiye, jo upar ki surface hai, theek hai, isko hum kya kehte hain, periosteum kehte hain. Aur jaise ab red dekh rahe hain, red, aur isme jo hamare paas blood supply aur nerve supply kafi rich hoti hai, aur jisne hamare is periosteum ne hamare pure bone ko cover kiya hota hai without this joint. This joint ke alawa dekhiye aap, puri body ko isne, bone ki body ko isne cover kiya hai. Aur jo periosteum hai wo collagen fiber ke ek type hai, jisko hum surface fibers kehte hain, usse milke bana hota hai. Jo hamare paas tendons hai ya ligaments hai, jitne bhi hai, ye aake isi bone par hi attach hote hain, theek hai. Jaise yahan par agar hum dekhenge various type of ligaments ya joint ke sare aake bone par hi, bone ke periosteum par hi connect hote hain. Ye dekhiye, jitne bhi tendons hai hamare paas, ye jo bones ke hain, muscles ke tendon hai, ye hamare paas jaake bones par hi attach rehte hain. Attach bone ki jo periosteum hai us par attach hote hain, theek hai. Ye dekhiye yahan, यहाँ पर अटैच होते हैं, या ये जो यहाँ पर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या बाकी जॉइंट जिसकी वजह से हम फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से वो बनते हैं. अच्छा जी, ये जो पेरियोस्टियम है, ये जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जो बोन्स के एंड पे, एंड जो लास्ट जिसमें हमारा जॉइंट बनता है एक बोन और दूसरे बोन के दरमियान, इस पर हमारे पास ये पेरियोस्टियम नहीं पाया जाता. इस जगह पर जो है ना, हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज पाया जाता है. ऐसा पेरियोस्टियम की दो लेयर्स पर डिपेंड करता है, कि ये जो आउटर लेयर है जिसको हम फिब्रस लेयर कहते हैं, जो सख्त लेयर होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेयर. और जो जो हमारे ये पेरियोस्टियम है, ये इंतहाई सेंसिटिव है. अगर कोई भी ट्रिगर पॉइंट, कोई भी चीज़ इसके साथ लगे, या कोई भी हमें जो बोन्स का दर्द होता है, सबसे पहले वो हमें, अगर हमारे बोन पर कोई चीज़ लगे तो सबसे पहले हमें पेरियोस्टियम पर लगता है, उसकी वजह से हमें शार्प पेन मौजूद, हमें शार्प पेन फील होता है. इसके बाद हमारे पास है जी फॉर्म ऑफ द बोन, फॉर्म ऑफ बोन. हमारे पास बोन्स के दो फॉर्म, हमारे पास बोन दो फॉर्म में पाया जाता है. ये देखें, एक ये ऊपर, एक ये जो बाहर वाला बोन, जो सख्त बोन जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और दूसरा है कि स्पंजी बोन, ठीक है, जिसको हम कैंसिलियस बोन कहते हैं. ये देखिए, ये दो तरह की बोन, बोन के अंदर दो ही तरह फॉर्म, टू ही फॉर्म्स होते हैं, एक कैंसिलियस बोन और एक जो ऊपर सरफेस है ये कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है. जैसे ये देखिए यहाँ पर आया, ये देखिए कॉम्पैक्ट बोन है, और जो इनसाइड वाला बोन है ये है क्या है, कैंसिलियस बोन, ठीक है. अब इसके हम खसूसियात देखते हैं कि कम्पैक्ट बोन में क्या होता है और कैंसिलियस बोन में क्या होता है. जो कम्पैक्ट बोन है वो हमारे पास डेंस आउटर लेयर होता है, ये देखिए सबसे ऊपर जो लेयर पेरियोस्टियम के बाद जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्पैक्ट बोन. और जो अंदर वाला बोन है, ये स्पंजी बोन, इसको हम कहते हैं कैंसिलियस बोन. इसके सबसे पहले अगर हम आउटर, जो उसके आउटर सरफेस है, इसको हम उठा कर देखें, तो इसमें ये एक ट्यूब अगर हम उठा के देखें, देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है. इसमें अगर ये देखिए, इस बोन में अगर अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं गोल गोल, ठीक है. तो इसमें अगर हम ये एक उठा के देखें, तो इसे को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोन, ठीक है. ये इसे को हम ऑस्टियोन कहते हैं. और इस ऑस्टियोन में क्या क्या मौजूद होता है, ये अभी हम आपको बताते हैं. जैसे ये देखेंगे, इसमें ये जो गोल गोल लाइन्स बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक लेमेला, लेमेला, ये देखिए ये कंसेंट्रिक लेमेला. और इसके ऊपर जो पेरियोस्टियम के बाद कम्पैक्ट बोन जो स्टार्ट होता है, इसमें एक कुछ एक ऐसी लेयर्स होती हैं जिसमें ये, जिसने पूरी ऑस्टियंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है. यूँ देखिए ये, इस ये जो सर, इसको हम लेमेला, इसने क्या किया है, पूरे ये जो ऑस्टियंस हैं, मुख्तलिफ ऑस्टियंस हैं, मिलकर इसने इसको एक आउटर सरफेस प्रोवाइड की. देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये आउटर जो लाइनिंग है जिसने ये ऑस्टियंस को अपने अंदर कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लेमेला. और ये जो जो दो ऑस्टियंस के दरमियान, या जो दो सर्कुलर पाथ के दरमियान ये जो लाइनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल लेमेला.
अच्छा इस लेमेला में क्या, इस अगर हम इसे एक ऑस्टियन को उठाएं, ये देखिए इसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम इस पूरे बोन से उठा कर देखें, ये देखिए पूरा बोन है इसमें, अगर हम ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उठा कर देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें ये देखेंगे सबसे पहले लैक्रिमल्स पाए जाते हैं, सेंट्रल कैनाल जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास होती है, वेसल्स पास होती है, ब्लड वेसल्स पास होती हैं, और उसके बाद ये है कैनिलिकुली। अच्छा लैक्रिमल्स के काम क्या होता है, इनमें ऑस्टियो जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स है, जो मैच्योर बोन सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, और जो ये कैनिलिकुलीज है ये जो एक अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती है, ये क्या काम करता है, ये एक लैक्रिमा और दूसरे लैक्रिमा को मीन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है कम्पैक्ट बोन में, ये इस बोन में जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है वो दो तरह से आती हैं, एक तो ये जो देखिए बिल्कुल ऊपर से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही, और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसको हम सिंपली परपेंडिकुलर कैनाल्स कहते हैं या सेंट्रल कैनाल्स कहते हैं, जैसे ये इसके अंदर आके ये इस तरह का स्ट्रक्चर अख्तियार कर लेती है, देखिए सेंट्रल कैनाल, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसवर्स कैनाल कहते हैं या वॉक्समैन कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, कम्पैक्ट बोन। अच्छा कम्पैक्ट बोन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये जो कम्पैक्ट बोन है जो सख्त स्ट्रक्चर है, इसने हमारे बोन को क्या है, एक सख्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड, रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिन फाइबर की मिकदार है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली, ठीक है। अच्छा इसके बाद इस ऑस्टियन जो हमारे पास, ये एक ऑस्टियन है, ये किन किन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है, जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंसेस है जो कि खुद बजात प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट पाया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स भी कहते हैं, जो इसमें पाया जाता है जिसने हमारे बोन को सख्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है। इसके अलावा हमारे पास मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, ये जो ऑस्टियन है जिसमें हमारे पास कैल्शियम है, फ्लोराइड है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी जो हमारे जो ये ऑस्टियन है इसको मुख्तलिफ तरह से इसकी बनावट में अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास आते हैं हम ये स्पंजी बोन की तरफ, ठीक है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, कैंसिलियस बोन कहते हैं। कैंसिलियस बोन में सेम वही चीज़ें होती हैं, मगर इसमें क्या होता है, ऑस्टियन की जगह ये ट्रेबिकुलाइज मौजूद होते हैं। अच्छा जो हमारा ये स्पंजी बोन है इसका क्या काम है कि जो इसमें क्या मौजूद होता है, एंडोस्टियम लेमेला होता है। अच्छा इस देखिए जैसे इस लेयर है, पेरिओस्टियम आ गया, इसके बाद ये कम्पैक्ट बोन आ गया, इसके बाद ये जो लेयर है ये, जिसके बाद हमारे पास स्पंजी बोन स्टार्ट होता है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोस्टियम, ठीक है, एंड ऑस्टियम, सही है। ये देखिए ये जो आउटर लेयर उसने कवर की है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, एंडोस्टियम कहेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो ये स्पंजी बोन स्टार्ट होता है। अगर हम इस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को उठा के देखें, जैसे ये है, इसको अगर हम उठा के देखें तो जो एक्सटर्नल जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं इसमें क्या पाया जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का काम करते हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो कि सराउंडिंग में मौजूद होते हैं इसको, और इसके नीचे जो क्या है, उसके साथ क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट, जब हमारे ये दोनों हार्मोन रिलेटेड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, या जब भी हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन, खासतौर जब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब हमारी बोन ग्रोथ या बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट ही होते हैं जो ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बोन की जो मास इस तरह और इस तरह इंक्रीज हो सके। इसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट क्या है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है तो ऑस्टियोब्लास्ट ही वो बोन्स हैं जो बोन को ब्रेक करके कैल्शियम की मिकदार हमारे जिस्म को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि इसमें ऑस्टियोसाइट, जैसे मैंने आपको कहा ऑस्टियोसाइट क्या है, जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रोवाइड फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, फिर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद जब वो सेल मेच्योर हो जाता है तो वो ऑस्टियोसाइट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो कि स्टोर होता है किसमें, लैक्यूना में।
اچھا یہ اس میں جو جو آؤٹر سرفیسز ہے یہ دیکھیں گے اس میں یہ جو لائنز ہے یہ کیا ہے پیرلل ٹو ایچ ادر ہے دیکھیے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں پیرلل لیملا صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے اس یہ تو ہم نے بون کی اسٹرولوجی آپ کہہ سکتے ہیں جتنی بھی اسٹرولوجی ہم نے دیکھی اب اس کے بعد ہمارے پاس بون کی کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے کلاسیفیکیشن ہمارے پاس مینلی ٹو ٹائپ دو طرح سے ہوتی ہے ایک جو ہمارے پاس ساخت ہے اور دوسرے ہمارے پاس شکل ساخت میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ایکزیل اسکیلیٹن اور اپینڈیکولر اسکیلیٹن ایکزیل اسکیلیٹن کیا ہے جس میں ہمارے پاس جو درمیان میں ہمارے جو میڈیل لائن ہے ٹھیک ہے یہ اس لائن میں اس کو ہم کیا کہیں گے میڈین سیجائٹل لائن جو ہماری ہے اس میں جتنے بونز آ رہے ہیں جس میں اسکل ہے یہ ورٹیبراز ہے یہ ریبس ہے اور اسٹرنم ہے ٹھیک ہے یہ سیکرم ہے یہ آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکزیل اسکیلیٹن کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہمارے پاس پیریفریز میں ہے یہ دیکھیں پیریفریز یعنی کہ جو یہ میڈیل لائن ہے اس سے لیٹرل سائڈ پر دور اس سے دور جو ہمارے پاس جو بونز آ رہے ہیں یہ جس میں ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اسکیپولا ہے یہ کلیویکل ہے ہیومرس ہے ریڈیس النا ہے میٹاکارپلز ہے کارپلز ہے اس کے علاوہ یہ جو اچھا اس میں میں نے وہ لکھنا بھول گیا میں شاید یہ ہے کیا کہتے ہیں پیلوک ہے فیمر ہے ٹیبیا فیبولا میٹاٹارسلز اور یہ فیلنجز آگے ہیں جو اسٹرکچر ہے اس کی ڈویژن آپ کو سمجھ آ گئی اس کے بعد ہم جو شیپس آف بون ہیں وہ پڑھیں گے جو شیپس ہیں وہ شکل کی بنیاد پر ان کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیٹ بون ہے جو بالکل سیدھے ہیں اور یہ ارریگولر بون ہے جن کی شیپ تھوڑی سی ارریگولر ٹائپ کی ہوتی ہیں اور لانگ بون ہے یہ دیکھیں کمپیریٹیولی باقیوں سے یہ لانگ ہے اسٹرکچر میں یہ بون ہو گیا یہ بون ہو گیا یہ بون ہو گیا اور یہ تو بیسک ہے شارٹ بون مگر اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو اس لیے ان کچھ بونس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا میں آگے آپ کو اس میں بتاؤں گا اور اس کے بعد شارٹ بونز ہے جو بالکل سائز میں سب سے چھوٹے ہیں اور اس کے بعد سسمائڈ بونز ہے سسمائڈ بون جیسے یہ پٹیلا ہے تو اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اچھا سب سے پہلے لانگ بونز پڑھتے ہیں لانگ بونز کون سے بونز ہوتے ہیں جو ہمارے لمبز میں پائے جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہے ہیومرس ہے فیمر ہے ٹھیک ہے اور جو یہ فیلنجز ہے یہ جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے اچھا اس میں ان لوگوں یہ تو بہت شارٹ بون ہے آپ سوچیں گے اور یہ لانگ بون ہے اس کو اس لانگ بون کی کیٹیگری میں کیوں ڈالا گیا ہے میٹاکارپلز یا فیلنجز کو تو وہ اس لیے کہ ان کا جو لینتھ ہے اور بریتھ ہے باقی بونس کے بہ نسبت میچ کر رہا ہے اس لیے ان دونوں کو اس بونس کو بھی اس کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے اور اس کا میٹافیسز اچھا میٹافیسز ڈائیفیسز ایپیفیسز کیا ہے ایپیفیسز جو ہمارے بون کا جو یہ اسٹارٹنگ ہے یہ دیکھیے جو آرٹیکولیشن دوسرا جوائنٹس ساتھ یہاں پر آرٹیکولیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایپیفیسز تو اگر ہماری باڈی کے نزدیک ہے کہ کہیں جیسے یہ باڈی کے نزدیک ہے اس کو ہم پروگزیمل ایپیفیسز کہیں گے اس کو ہم اور اس ایریا آف اسی بون کو اسی بون کے اس ایریا کو ہم کیا کہیں گے ڈسٹل ایپیفیسز اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جو شافٹ ہے یہ شافٹ اس ایریا کو کہتے ہیں جو ہماری باڈی بون کا جو یہ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم بائیفیسز کہتے ہیں اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے جو لانگ بونس کی یہ جو ہے آؤٹر سرفیس جو ہے نا پیریوسٹم ہوتا ہے اس کے بعد کمپیکٹ بون ہوتا ہے اس کے بعد اس بونس میں کیا ہوتا ہے اسپنجی بون موجود ہوتا ہے اس لیے اس کو لانگ بون کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ بونس آ گئے ہیں اچھا جیسے میں نے لانگ بون میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اس کا جو آخری سرفیس ہے جوائنٹ آرٹیکولیشن سرفیس یہ ہائلین کارٹیلیج سے مل کے بنا ہوتا ہے اور یہ اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ہائلین کارٹیلیج آتا کہاں سے اچھا جو شارٹ بون ہے ہمارے پاس یہ اسکیفوئڈ جو ہاتھ میں ہمارے ریسٹ پر پایا جاتا ہے اور لونیٹ یہ چھوٹا سا بون سائز میں بہت چھوٹا ہے ٹیلس ہے یہ دیکھیے اور یہ کیلکینیس ہے یہ ہمارے پاس اس میں شارٹ بونز میں آتے ہیں یہ کیوں شارٹ بون میں آتے ہیں کیونکہ اس کا اسٹرکچر شارٹ بون میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کے اسٹرکچر جو ہے نا کیوبوائڈل ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی باقی بونز کی طرح یہ ہے اوپر جو اس کا اوپر والا سرفیس ہے یہ کیا کہتا ہے کمپیکٹ بون ہے اور جو نیچے اندرونی سرفیس ہے اندرونی ایریا ہے اس وہ کنسیلس یعنی اسپنجی بون پر مبنی ہوتا ہے اور یہ
उसका आउटर सरफेस है, ये एरिया है, इसको कवर किया होता है किसने, पेरियोस्टियम ने। सर इसके बाद हमारे पास फ्लैट बोन नाम से जाहिर है कि जो सीधे होते हैं, मगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स बाकी करेक्टरिस्टिक्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। ये देखें, इनका जो आउटर सरफेस है वो कम्पैक्ट बोन से बना होता है और जो इनर सरफेस है वो कैंसिलस बोन से बना होता है। इनके आखिर में आप देख रहे हैं कहीं पर भी हाइलिन कार्टिलेज वगैरह नहीं है मौजूद, और इनकी ग्रोथ और इनकी डेवलपमेंट भी बाकी बोन्स के बनस्बत चेंज होती है। इनमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, जिनमें हमारे पास ये स्कल आता है और ये स्कैपुला आता है। स्कैपुला कौन सा बोन है, इसको हम ये बोन, इसको हम स्कैपुला कहते हैं, अपर लिम्ब में आता है। इसके बाद हमारे पास इररेगुलर बोन आ गया, जो कि नेम से जाहिर है, जिनका स्ट्रक्चर और जिनका शेप जो है ना वो इररेगुलरली डिज़ाइन होता है, जिसमें हमारे पास ये फेशियल बोन में जाइगोमेटिक है और ये वर्टिब्रल बोन है। आप देखें इनका शेप कोई प्रॉपर शेप नहीं है, जैसे फ्लैट बोन में देखें एक बंदा कह सकता है कि एक सीधा साधा सीधा बोन है, मगर इसमें आप देखें इररेगुलर शेप है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये इररेगुलर बोन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद होते हैं, स्कल मौजूद है, वर्टिब्राज है और ये कैंसिलस बोन से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसका जो आउटर सरफेस है वो थिन कम्पैक्ट बोन पर मबनी होता है और जो इनर सरफेस है वो कैंसिलस बोन पर मबनी होता है, यानी कि इनका जो ये सरफेस है, ये जो बाहर वाला है, ये बिल्कुल थिन लेयर होता है जो सख्त बोन होता है, और उसके अंदर जो स्पंजी बोन है वो एज यूजुअल जैसे बकरियों में पाया जाता है, इसमें बोन से ही पाया जाता है। अच्छा, सिस्मोइड बोन बाकी बोन से थोड़ा अलग होता है, ये इस तरह होता है कि टेंडन में पाया जाता है। देखिए ये टेंडन, जैसे पटेला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन में अंदर ही लॉक्ड हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ टेंडन है, टेंडन के दरमियान एकदम फिर बोन स्टार्ट हो जाता है, फिर टेंडन होता है और जाके वो कनेक्ट होता है दूसरे बोन्स के साथ। तो इसमें जो बाकी बोन्स हमारे पास आते हैं, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस है, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस है, और इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, वो इस जो जॉइंट है उसमें उसकी फ्रिक्शन को कम करना है। इसके बाद हमारे पास बोन ग्रोथ कैसे करती है, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, जो हमारे बोन की साइज़ या शेप या स्ट्रक्चर चेंज होता है वो किस तरह चेंज होता है। तो इस बोन जो डेवलपमेंट है हमारे पास दो मेन प्रोसीजर पर मबनी होता है या दो मेन प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसमें एक हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस आता है और दूसरा हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल जिसको ओसिफिकेशन हम कहते हैं। अच्छा, ओसिफिकेशन क्या है, ओसिफिकेशन इज द फॉर्मेशन द प्रोसेस इन विच द बोन इज फॉर्म। अच्छा, इंट्रा मेम्ब्रेनस क्या होता है, ये एक एक्चुअली एक मेम्ब्रेन ऑफ द, आप ऐसे समझे कि ये एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई कॉलिन फाइबर या इलास्टिन की, जो कि बाद में जाके कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक फ्लैट बोन में। अच्छा, इनमें जैसे आपने बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम उनका बोन, उनकी जो बोन क्या होती है, आपने अगर फील किया हो तो वो एक स्पंजी या सॉफ्ट मटेरियल्स पर मबनी होती है ताकि डिलीवरी में आसानी हो। तो बाद में जब वो अगर आप देखेंगे तो स्कल बोन जैसे ये बोन बाद में जाके वो क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, जबकि स्टार्ट में यही बोन होती है वो बहुत नरम होती है। तो उसके रीज़न यही है कि जो यहाँ पर है उनके जो जो क्या कहते हैं कॉलन फाइबर्स हैं या जो ग्राउंड सब्सटेंसेज है, इलास्टिन है, वो स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं और वो क्या होते हैं कि वो ग्रोथ पूरी तरह डेवलप नहीं होते। तो इसके बाद ये डेवलप करते 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 ये आउटर सरफेस जो कम्पैक्ट बोन फॉर्म हो जाती है और वो इस तरह का सख्त स्ट्रक्चर अख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारे पास एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, नेम से जाहिर है कि जो बोन है, अच्छा इसमें क्या होता है कि बोन जो है ना डायरेक्टली कार्टिलेज से बनकर पूरा बोन बन जाता है, जैसे इस पिक्चर में मैंने शो किया है। अच्छा, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि हाइलिन कार्टिलेज बोन के आखिर में आ जाती है, इसके पीछे क्या वो है, साइंस यही है कि जो हमारा बोन है स्टार्टिंग में जब फीटस फॉर्मेशन हो रही होती है इनसाइड द मदर के इंट्रायूटराइन लाइफ के दरमियान, तो इसमें क्या हो जाती है, होते एक सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज फॉर्मेशन हो जाती है कोलेजन फाइबर और एरुलर टिश्यूज से मिलकर, इसके बाद इनमें क्या हो जाता है पेरियोस्टियम टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी तरह करते करते एंजियोजेनेसिस जिसको हम ब्लड सेल ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन कहते हैं वो स्टार्ट होती है, और इसके बाद फिर जो हमारी मेडुलरी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। मेडुलरी कैविटी वो है जिसमें
आपका जो फैटी मटेरियल पाया जाता है जिसको हम मगज़ कहते हैं, बोन में जो पाया जाता है। इसके बाद जब जैसे ही बच्चा जो है ना ग्रो कर रहा होता है तो ये हाइलैंड कार्टिलेज जो है ना, ये जो कैविटी है, ये कम्पैक्ट बोन और ऑसिफिकेशन हो रही होती है और आपकी जो स्पंजी बोन फॉर्मेशन हो रही होती है और करते करते ये हाइलैंड कार्टिलेज जा रहा होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और इसीलिए जब 20 एज एट द एज ऑफ 18 एंड 20 जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है बोन की, तब ये हाइलैंड कार्टिलेज इस स्टेज पर आ गया होता है जिस टाइम इसने ये जो बोन एंडिंग है या जो टू आर्टिकुलर सरफेसेस, आर्टिकुलर सरफेसेस मतलब दो जॉइंट के दरमियान, दो जॉइंट के बोन्स की जो दो सरफेसेस होती हैं, एक इधर से और एक फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरा बोन अटैच हो रहा है, तो ये सरफेसेस पर हाइलैंड कार्टिलेज आ जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये जो मेडुलरी कैविटी और स्पंजी बोन को अलग करती है इसको हम एपिफिजियल प्लेट या मेटाफिजियल लाइन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब बोन सरफेसेस की हम बात करते हैं। बोन सरफेसेस क्या, जैसे ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, इसके ऊपर सरफेस, ये सरफेस है, इसमें क्या होता है और इसके सरफेस को हम स्पेसिफिक नेमिंग देते हैं जिस पे मुख्तलिफ लिगामेंट, फेशिया, टेंडन्स जाके आपको नेरो से जाके अटैच करते हैं। और ये एक रेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेरियोस्टियम से बने होते हैं, जो पेरियोस्टियम है, ये पेरियोस्टियम है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये बोन सरफेस है, ठीक है। अब ये करते सही जा रही जाए यहाँ से उभरी हुई है, ठीक है, ये जो उभरी हुई है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। अगर इसमें कोई अगर सुराख है तो उसका अंदर कोई होल है, इसका अपना नाम है। अगर ये सरफेस उभरी हुई है इसका अपना नाम है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये क्या होता है, ये पेरियोस्टियम को जैसे द फुल फाइबरस, अच्छा द फुल ऑफ दिस फाइबर फाइबरस स्ट्रक्चर काज पेरियोस्टियम टू एलिवेट एंड न्यू बोन डिपॉजिटेड स्टार्ट, अच्छा डिपॉजिटेड बीनीथ दिस सरफेस इज मेकिंग लार्ज एंड स्पेशल नेम्स, ठीक है, तो उनको एक स्पेशल नेम्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया गया है। ट्यूबरोसिटी क्या है, ट्यूबरोसिटी एक राउंड प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि मैं आपको अगर इसमें फिलहाल नहीं है, राउंड एक बहुत बड़ा है राउंड प्रोजेक्शन, एक रफ टाइप स्ट्रक्चर होता है। क्रस्ट क्या होता है, एक पतली सी लाइन, जैसे ये एक नोक टाइप को हम इस बोन जब बन जाती है उसको क्रस्ट कहते हैं। और ट्रकंटर क्या है कि एक बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर जब एकदम उभर आ जाता है बोन पर, जैसे ये है, ठीक है, फीमर में पाया जाता है जिसको ट्रकंटर कहते हैं। लाइन एज यूजुअल जैसे आपको पता है, नैरो रिज ऑफ द बोन को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ट्यूबरकल क्या है कि जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि है क्या है हमारे पास ह्यूमरस में है ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्शन, एक बोन की जो सरफेस उभर आ जाती है, जैसे ये इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, लेसर ट्यूबरकल होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन जो बाहर की तरफ उभर आता है। अच्छा, इसके बाद स्पाइन क्या कहते हैं, जो कि एक शार्प, बिल्कुल शार्प स्पाइनस प्रोसेस, जैसे ये स्पाइनस प्रोसेस है, शार्प आउटर सरफेस निकल रही है जो कि एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। और इसके अलावा हेड, जैसे आपको पता है ये फॉर एग्जांपल हेड नेम है, जैसे जाहिर है हेड जिसको हम एसिटाबुलम या इस तरह भी कहते हैं, ये फीमर में बेसिकली पेल्विक जॉइंट में। अच्छा, इसके बाद फैसेट्स हैं, फैसेट्स क्या है, स्मूथ स्ट्रक्चर्स हैं जो के आर्टिकुलर सरफेस बना रहे हैं, फ्लैट इन स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ये फैसेट जॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल क्या है, राउंड प्रोजेक्शंस होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए, गोल बाहर की तरफ जैसे ये निकले हुए हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल, जैसे मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल होता है। अच्छा, इसके बाद डिप्रेशन और अपनिंग की अगर हम बात करें, ग्रूव क्या होता है, ग्रूव एक क्या कहते हैं, एक खड्डा टाइप होता है, जिस खड्डे को क्या कहते हैं, बोन में अगर कोई खड्डा टाइप हो उसमें हम क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। फिशर क्या होती है, एक नेरो ओपनिंग होती है बोन में, जैसे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल अगर इंफीरियर क्या कहते हैं, ऑर्बिटल फिशर जैसे ये है, ठीक है। और के बाद जो हमारे पास फोरामेन है, फोरामेन राउंड ओवल ओपनिंग है जैसे ये फोरामेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नॉच क्या है, इंटेंडिंग एज ऑफ
انڈینٹی. اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ دیکھیے جینیٹس ہے, سائنس ہے, فوسا ہے, یہ راستہ ہے. میں آپ کو جب آپ میں بونز جو پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو وتھ پکچرس پرووائڈ کروں گا, اس میں آپ کو میں صحیح سے بتاؤں گا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہم ریسرچ دیکھیں گے بونز پر, کوئی ریسرچ ریسرچ ہے, کن کن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے اور کون سا ریسرچ ہوا ہوا ہے. سب سے پہلے وولفز جو کہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھا, اس نے 19th سینچری میں ایک ریسرچ کیا تھا جس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم بونس پہ جتنا اسٹریس کیا کہتے ہیں بونس پہ ہم جتنا اسٹریس رکھیں گے یا جتنے ہم بونس پر پریشر ڈالیں گے اتنے ہی وہ بونس گرو کریں گی, اس اپنے بریتھ وائز بھی, یعنی کہ اس طرح بھی اور اس طرح بھی. ٹھیک ہے, تو یہ وولفز جولیس وولفز کہتا ہے 19th سینچری میں, یعنی کہ جتنا آپ ایکسرسائز کرو گے, جتنا آپ واک کرو گے, جتنا آپ رن کرو گے تو آپ کی بون کی گروتھ اتنی اچھی ہوگی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جو ڈیورنگ پیورٹی یا ڈیورنگ گروئنگ ایج جتنے بھی ہمارے جو چلڈرن جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو چاہیے, ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان سے فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کروائیں تاکہ ان کی بون کی گروتھ اچھے سے اچھی طرح ہو. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ریسرچ جو آف ہیلتھ اینڈ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ آف فیزیوتھراپی یونیورسٹی آف سکم میں ہوا ہے, جو کہ 16 فروری 2017 کو پبلش ہوا ہے. یہ اس ریسرچ میں بیسیکلی وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو اوسٹیوپوروٹک پیشنٹ ہے, اوسٹیوپوروسس وہ جو ہمارے بون ہیں ان کی وہ بیماری ہے جس میں بون کی ویکنیس ہو جاتی ہے, جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بون ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں. خاص طور یہ بیماری آفٹر دا مینوپوز جو فیمیل ہے ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کمپیئر ٹو مین. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بونز ہے ان کی بریک ڈاؤن بہت جلدی ہو جاتی ہے, مائنر اگر آپ گر بھی جائیں تو اس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بیلنس ہے اور پوسچرل اور سینسری موٹر اینڈ کوگنیٹیو سسٹم کی جو کنٹرول ہے یا جو بیلنس اینڈ پوسچرل کنٹرول فزیکل ایکٹیویٹیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں اور دوسرے جو بون گروتھ ہے وہ بیٹر رہتی ہے, جس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو فریکچر کے چانسز یا جو ڈیلی لائف جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے آسٹیوپوروٹک پیشنٹ کے ود آؤٹ اینی ایڈورس افیکٹ. اچھا تو تھینک یو سو مچ گائز میری ویڈیو دیکھنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے. خدا حافظ. Modify, stop, drop it low, but pick it up carefully, work them glutes like you in physical therapy.